पांडे जी नगर सचिव का भी बहुत बहुत स्वागत है, बैठा जी स्वागत है। आज हम सब समाजवादी पार्टी के लोग अपने संरक्षक अपने आदर्श माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के 80वें जन्मदिन दिवस के अवसर पर यहां पर एकत्र होकर केक काट के उनको जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि नेताजी सतायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हम समाजवादी लोगों को मिलता रहे। एक समाजवादी विचारधारा के माध्यम से जो उन्होंने देश के सामने तस्वीर रखी है, जब तक पूरे देश में दवा पढ़ाई मुफ्ती ना हो जाए, रोटी कपड़ा सस्ती ना हो जाए और हर रोजगार को रोजगार ना मिल जाए, तब तक समाजवादी आंदोलन अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। आज हम सब नौजवान ये संकल्प लेते हैं कि नेताजी के सपने को पूरा करने तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लाए हैं, मेहनत करके लाए हैं। आज 22 नवंबर हमारे पार्टी के नेता, संस्थापक, संरक्षक, आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का आज जन्मदिन, आज उनका उनकी उम्र 80 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ भी हैं, चाहे वो देश में, प्रदेश में, जनपद में, विधानसभा में, गांव बूथों तक जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता साथी हैं, आज कहीं ना कहीं खुशियाँ मनाने का काम कर रहे हैं, केक काटने का काम कर रहे हैं, मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी जनपद मऊ के सभी इकाई आज आपके सदर अस्पताल में आकर के मरीजों को दूध वितरण करने का काम और फल वितरण करने का काम सभी लोग हम लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय संरक्षक, संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है। खुशियाँ मनाने के लिए आप बीच हम सभी लोग उपस्थित हैं और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है जो हम लोग करने के लिए आपके बीच आए हैं। वो आपके बीच हम दूध और फल का वितरण कर रहे हैं और मिष्ठान का वितरण कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दामन छोड़कर की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नाम से नई पार्टी गठन किया है। समाजवादी पार्टी ने जो जन्मदिन मनाया है तो वो उन्होंने मनाया होगा, इससे हमें क्या मतलब, वो भी कोई भी मना सकता है भाई। नेताजी तो माननीय मुलायम सिंह यादव पूरे देश के नेता हैं और हम तो धर्मनिरपेक्ष दिवस के रूप में माननीय नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं और मनाई किसी को भी नहीं है, कोई भी मना सकता है। पार्टी का मेन उद्देश्य जिस तरीके से आपको मालूम है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन क्यों हुआ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन माननीय सोपाल सिंह यादव जी ने, जो उपेक्षित लोग हैं, जिनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, जो पब्लिक के बीच में काम करना चाहते हैं, पुराने लोग जो बैठे हुए हैं, उन सारे लोगों को, जो उपेक्षित लोग हैं, उनको सारे लोगों को जोड़ने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करेगी और इसी उद्देश्य को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ देखे गए, यहाँ के लोग भी समाजवादी, ऐसा ही समाजवादी पार्टी के लोग आपकी पार्टी से जुड़ गए। अब आपने तो जो क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल सही है, आप यही मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है हम लोगों से जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी में आ रहे हैं और हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कार्यकारिणी का गठन 24 तारीख को समस्त जिलाध्यक्षों की बैठक प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है और पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट वहीं से जारी कर दी जाएगी अनुमोदन के बाद। आज तैयार हो गई है और अनुमोदन के बाद पार्टी जिले की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी का मेन एजेंडा जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज इस देश में जो हालात पैदा हैं कि जो वर्तमान सरकारें आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं, धर्म की राजनीति कर रही हैं, विकास कोई मुद्दा नहीं रह गया है,
किसानों की कोई बात करने वाला नहीं है, नौजवानों की कोई बात करने वाला नहीं है। तो इस धर्म की राजनीति को उखाड़ फेंकने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करेगी, लोगों को बताएगी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के हित में काम करना चाहती है, नौजवानों के हित में काम करना चाहती है, छात्रों के हित में काम करना चाहती है और धर्म की राजनीति से दूर रहना चाहती है। भाई को भाई से मिलाने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करेगी। माननीय मुलायम सिंह यादव के नक्श कदम पर चलने वाले लोग हैं, उनके नीतियों को फरोग देना चाहते, उनको विस्तार देना चाहते, जनता के बीच में ले जाना चाहते। जिस तरह से गरीब मजदूर किसानों की और अल्पसंख्यकों की वो हमेशा रक्षा करते रहे, उसी उद्देश्य से समाजवादी पार्टी भटक गई है। उस भटकी हुई पार्टी से अलग होकर के हमने मूल समाजवादी पार्टी जो लोहियावादी जयप्रकाश नारायण वाली पार्टी है, उसको हम लोग उन पर अक्षरशा चल करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? पार्टी का मेन उद्देश्य यही है, गरीब कमज़ोर तबके के लोगों को, पिछले लोगों को, गरीब को न्याय दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और उसको हम सदैव करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नाम से जो वर्तमान समय चल रहा है, वो लोग उससे भटक चुके हैं, इसलिए हमको अलग से दल बना करके काम करने का जो है हमने ये नया जो है पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जी के नाम, लोहिया के आदर्श पर चलने वाली पार्टी। क्या आप इस पार्टी में सपा के कुछ पदाधिकारी या कुछ पदाधिकारी जुड़ रहे हैं? बहुत से बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं लोग, आप देख रहे होंगे अभी महासचिव जिले के मुमताज अहमद साहब, हम पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, बहुत से लोग शिवपाल सिंह बैठे हुए हैं, सब पूरी समाजवादी पार्टी तो है ही, और कौन है बताइए आप, पुराने चेहरे हैं सब, सब लोग वहाँ से उपेक्षित होकर के आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी को यहाँ से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि हम किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, हम अपना काम करने के लिए निकले हुए हैं, अपने कारवां को आगे बढ़ाएंगे और जो लोहिया जी ने हमको दिशा निर्देश दिया है, जो उनके नक्श कदम उस पर चल करके, नेताजी के नक्श कदम पर, उनकी मेहनत और मशक्कत के इशारे पर चल करके हम लोग आगे काम करेंगे और हम लोग इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे।